हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बनके देखिए, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे। अब देखिए, ये दो फंदों पे हमारा यहाँ पे पैटर्न आ रहा है। तो देखिए, बैक साइड से हमने सेकंड नंबर का फंदा पहले बुनना है, फिर देखिए फर्स्ट नंबर का फंदा बुनेंगे। ऐसे ही बैक साइड की तरफ से सिलाई डालनी है, ये ऐसे, ये देखिए ये दो फंदे हमने सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर देखिए दो फंदों पे पैटर्न आएगा। तो देखिए, बैक साइड से सेकंड नंबर का फंदा पहले बुनेंगे, फिर देखिए फर्स्ट नंबर का फंदा बुनेंगे, ये भी हमने बैक साइड से ऐसे सिलाई डालनी है और फिर सेकंड नंबर का फंदा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर दो फंदों पे हम पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, बैक साइड से सेकंड नंबर का फंदा पहले बुनेंगे, फिर देखिए फर्स्ट नंबर का फंदा बुनेंगे। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने फ्रंट साइड से फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे। अब देखिए, फ्रंट साइड से दो फंदे सीधे आए हैं जिन पे हमने पैटर्न बनाया है, तो ये इन पे देखिए बैक साइड से भी पैटर्न बनेगा। तो देखिए, बैक साइड से भी हमने सेकंड वाला फंदा पहले बुनना है, ये देखिए ये पहले बुना, फिर देखिए फर्स्ट वाला फंदा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ स्लिप कर देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, ये दो फंदे हमने सीधे बुने, फिर धागा अपनी साइड, फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदों पे हमारा पैटर्न बनेगा। तो सेकंड नंबर का फंदा हम पहले बुनेंगे, फिर हम फर्स्ट नंबर का फंदा बुनेंगे। ये बैक साइड से हमारी पैटर्न की सेकंड रो है, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, फिर दो फंदों पे पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए, सेकंड फंदा हमने पहले बुनना है, फिर देखिए फर्स्ट वाला फंदा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने बैक साइड से सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए, फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट करते जाना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक